हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विशालिक में। तो दोस्तों, फाइनली आरआरबी एनटीपीसी के लेवल 6 के डीवी शेड्यूल का इंतजार करने वाले एक और आरआरबी वालों के छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे ने एक और आरआरबी का लेवल 6 का डीवी शेड्यूल जो है जारी कर दिया है और ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बाकी अब दो आरआरबी बचे हैं, उनके कब तक आएंगे तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल-पल के अपडेट्स के लिए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर दोपहर के 12:50 का वक्त हो रहा है। हमने आरआरबी मालदा की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा, आप देख सकते हैं rrbmalda.gov.in। जब आप यहाँ पर नीचे आओगे तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में आपको लिंक फॉर डाउनलोडिंग ई कॉल लेटर फॉर डीवी अगेंस्ट CEN 01/2019 NTPC, यह है आपकी लिंक है, ठीक है। लेकिन वहीं पर आपको साइड में ही, मतलब ये इधर फर्स्ट वाले में ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है आपको डीवी शेड्यूल दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है नोटिस टू कैंडिडेट्स फॉर डीवी फॉर लेवल 6 अगेंस्ट CEN 01/2019 NTPC। तो इसे हम ओपन करेंगे। जैसे हम इसे ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पर PDF हमारा डाउनलोड होगा और ये ओपन हो चुका है। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स आरआरबी मालदा CEN 01/2019 NTPC फॉर लेवल 6 नोटिस टू कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV फॉर लेवल 6 यहाँ पर दिया है। अब देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉइंट्स ये है कि यहाँ पर कैटेगरी नंबर 1 स्टेशन कमर्शियल अप्रेंटिस जो है कैटेगरी नंबर 1 है, और कैटेगरी नंबर 2 जो है स्टेशन मास्टर के लिए है। और यहाँ पर देखिए, जो आपका डीवी शेड्यूल रखा गया है वो 12 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में रखा गया है। इसमें जो रिपोर्टिंग टाइम सुबह 10:30 बजे का है, आरआरबी मालदा में आपका जो है ये रिपोर्टिंग आपको करनी होगी। तो देखिए, यहाँ पर जो है आज से 11 दिन बाद ही जो है आपका यहाँ पर आरआरबी मालदा वाला कैंडिडेट का जो है यहाँ पर डीवी होने वाला है। अब उसके बाद आपको लिंक बता चुके हैं, वहाँ से जो है आप अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने ब्लॉक डेट दे रखी, ये हाईलाइट कर दिया इन्होंने कि अगर कोई कैंडिडेट्स अपना जो डीवी शेड्यूल, मान के चले 12 तारीख को किसी कैंडिडेट्स का 12 अक्टूबर को डीवी होना है, लेकिन वो एब्सेंट रहता है बीमारी की वजह से या फिर किसी अदर वैलिड रीजन की वजह से, तो उसको जो ब्लॉक डेट दिए गई है कि मतलब कि वो अपना जो है 28 अक्टूबर को जो है अपना डीवी करवा सकता है। मतलब कि एब्सेंट वाले कैंडिडेट जो है 28 अक्टूबर को भी अपना डीवी करवा सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम वही 10:30 बजे का होगा आरआरबी मालदा में। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो है आपको जो है ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना, और जो है उसके 2 सेट्स और क्लियर फोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड लेकर के जाना होगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों, रेलवे ने 2 फोटोकॉपी सेट बोला है, लेकिन आप जो है 4 लेके जाइए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी जो है 3 सेट भी मांग लिया जाता है या किसी डॉक्यूमेंट्स की एक्स्ट्रा फोटोकॉपी वगैरह मांग ली जाती है, इसलिए आप जो है अपने अपने 4-4 सेट लेके जाइएगा। उसके बाद 6 जो है आपको पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लेकर जाना होगा, ठीक है, डीवी के टाइम पर। अब ये सारी चीज़ें हैं और बाकी सारे आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो आपके लिए डीवी शेड्यूल के लिए जो टोटल जो है 176 कैंडिडेट्स को लेवल 6 के डीवी शेड्यूल के लिए मतलब कि शॉर्टलिस्ट किया गया है, मतलब इनका डीवी शेड्यूल होना है, और यहाँ पर जो है 4 पेज में ये दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर आप जो है अपना रोल नंबर देख सकते हैं, रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो है आपको आपका जो रोल नंबर यहाँ पर दिया है, आप रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो है अपना जो है डीवी शेड्यूल की डेट देख सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर ये रोल नंबर है तो इसका 12 तारीख को है। अब उसके बाद ही यहाँ पर जैसे आप नीचे आओगे तो ये जैसे ये रोल नंबर है तो इनका जो है 13 तारीख को 10:30 बजे रिपोर्टिंग है। मतलब ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं अपने अपने रोल नंबर के सामने, आप अपने जो है किस डेट को आपका जो है होने वाला है डीवी शेड्यूल, आप इसमें देख सकते हैं। ये सारा जो है पेजेस यहाँ पर दिए, नीचे 21 तारीख तक आपका जो है डीवी शेड्यूल होगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आरआरबी मुंबई और आरआरबी गोरखपुर, इनका डीवी शेड्यूल कब तक आएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है आज सैटरडे के दिन भी इन्होंने जो है डीवी शेड्यूल दे दिया है, तो मे बी चांस है कि आज जो है आरआरबी मुंबई और आरआरबी गोरखपुर का भी डीवी शेड्यूल आ सकता है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक में तो फाइनली आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना रखेंगे, और कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक करते हैं, ख्याल रखिए, ओके बाय फ्रेंड्स।